भोपाल की नई शहर सरकार का पहला सम्मेलन यानी मीटिंग सोमवार को हुई है। मीटिंग से करीब 9 घंटे पहले बीजेपी ने सभापति यानी अध्यक्ष प्रत्याशी का नाम तय कर लिया है। वार्ड 28 से पार्षद किशन सूर्यवंशी को अध्यक्ष प्रत्याशी बनाया गया है। पेशे से वकील किशन करोड़पति पार्षद हैं। लंबे समय तक संघ से जुड़े रहे हैं, फिर एबीपीवी युवा मोर्चा और बीजेपी के कई पदों पर भी रहे। अभी बीजेपी जिला महामंत्री में है। वे अध्यक्ष की दौड़ में कुछ सीनियर पार्षदों से पीछे थे, लेकिन रायशुमारी में आगे निकल गए हैं। कुल 85 में से 58 पार्षद बीजेपी के हैं। ऐसे में यह भी तय है कि अध्यक्ष भी बीजेपी का ही बनेगा। दोपहर 3 बजे कलेक्टर की मौजूदगी में अध्यक्ष के चुनाव को लेकर औपचारिकता होगी। हालांकि पार्षदों की संख्या को देखते हुए सूर्यवंशी के निर्विरोध चुने जाने के पूरे आसार हैं। पर्यवेक्षक और राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार रविवार को पार्षदों के साथ रायशुमारी कर चुकी हैं। इसके बाद सोमवार सुबह बीजेपी ने पत्ते खोल दिए हैं। निगम अध्यक्ष की दौड़ में सीनियर पार्षद रविंद्र यति, सुरेंद्र वाडिका, राजेश हिंगरोनी भी दौड़ में थे। यति वाडिका 3 से 4 बार के पार्षद हैं, वहीं हिंगरोनी के लिए सिंधी समाज लगा था। पार्षद देवेंद्र भार्गव भी अध्यक्ष की रेस में आगे बताए जा रहे थे, लेकिन इन सब में सूर्यवंशी आगे निकल गए। अध्यक्ष की दौड़ में रहे पार्षदों को MIC में शामिल किया जा सकता है। निगम अध्यक्ष प्रत्याशी सूर्यवंशी दूसरी बार के पार्षद हैं। पहली बार जब पार्षद बने थे, जब मेयर इन काउंसिल यानी MIC में जल कार्य समिति के सभापति भी रह चुके हैं। बचपन से ही संघ से जुड़े रहे, फिर ABPV में कई पदों पर रहे, युवा मोर्चा में भी रहे और बीजेपी जिला महामंत्री हैं। वे बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में 2 बार EC मेंबर भी रह चुके हैं। 44 साल के सूर्यवंशी स्नातक तक पढ़े हैं और वकील भी हैं। उनके पास 16.48 लाख रुपए की चल और 1 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्ति है। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्रा 24 न्यूज।